क्या शहर और क्या ग्रामीण, आज के जमाने में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ना हो। कहा भी तो जाता है कि अगर आप सोशल मीडिया में नहीं हैं, तो शायद आप आधी दुनिया के लिए हैं ही नहीं। जब सोशल मीडिया पर दिन भर रहना ही है और इसमें मजा भी हो, तो क्यों ना इसे कमाई का जरिया ही बना लिया जाए। सोशल मीडिया मार्केटिंग हाल ही के दिनों में कितना ज्यादा कारगर और चलन में आ गया है, इस बात का अंदाजा आप आम चुनाव में इसके जमकर हो रहे इस्तेमाल से लगा सकते हैं। साल 2019 में भारत का आम चुनाव दुनिया में अब तक का सबसे महंगा चुनाव होने वाला है। चुनाव का कुल खर्च $7 अरब यानी करीबन 50,000 करोड़ रुपए होगा, जिसमें से लगभग 5,000 करोड़ का खर्च सोशल मीडिया पर है, यानी चुनावी खर्च का लगभग 10% खर्च सोशल मीडिया पर होगा। भारत के एक वोटर पर राजनीतिक पार्टियां कुल मिलाकर $8 यानी करीबन 350 रुपए तक का खर्च कर रही हैं। चुनावी खर्च में सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो सिर्फ झलक भर है। अनुमान के मुताबिक अगले साल यानी 2020 तक देश भर में सोशल मीडिया पर होने वाला खर्च 20,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। नोएडा से काम करने वाला सोशल मीडिया एजेंसी DSMRA यानी डिजिटल एंड सोशल मीडिया रिसर्च एसोसिएट्स के मुताबिक सोशल मीडिया के क्षेत्र में अगले 3 साल में यानी मार्च 2022 तक 5 लाख नौकरियां आने वाली हैं। जाहिर है ऐसे में सोशल मीडिया मार्केटिंग का क्षेत्र IT सेक्टर में अपनी एक बड़ी पहचान बना रहा है।